माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यूट्यूब चैनल के इंटरनेट एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और आज हम जो है सल्तनत काल के बारे में स्टडी करेंगे। सल्तनत काल में पहला है आपका दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। ओके, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो वो थी फारसी भाषा। जैसा कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की बात करते हैं तो 1206 ईस्वी से स्टार्ट होता है। जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका सिपाह सालार जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वह दिल्ली का शासक बनता है। जो कि वह कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलबरूनी जो था वह महमूद गजनवी के साथ जो है हिंदुस्तान आया था, जिसने जो है किताब उल हिंद की रचना की, जिसमें इतिहास के बारे में उन्होंने क्या किया, मध्यकालीन भारत के बारे में उन्होंने अच्छे से वर्णन किया है, या सल्तनत काल के बारे में उन्होंने अच्छा सा वर्णन किया है। नेक्स्ट है, आगरा नगर की स्थापना किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। लोदी वंश का जो शासक था सिकंदर लोदी, उसने आगरा शहर की स्थापना जो है 1504 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौगान यानी पोलो जिसको कहते हैं आधुनिक भाषा में, आधुनिक समय में जो है चौगान को पोलो कहा जाता है, जिसकी शुरुआत जो है हमारे देश से ही हुई थी। तो पोलो यानी चौगान खेलते समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिर कर हुई थी 1210 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के पास ही करवाया था, इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान की बात करते हैं तो रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की पहली महिला शासिका थी, जो इल्तुतमिश की जो है बेटी थी, जो 1200 अगर हम बात करते हैं तो 1236 से 1240 ईस्वी के बीच इन्होंने क्या किया था, दिल्ली पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक खिलजी वंश का जो एक मेन शासक था, जिसके शासनकाल में जो है मंगोलों ने सबसे ज्यादा आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसे कहा जाता है, किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1329 से 1330 ईस्वी के बीच में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सांकेतिक मुद्रा का जो है तांबे के सिक्कों को चलाया था, इसको सांकेतिक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, तो किसने प्रचलित किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पागल किस शासक को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि इतिहास का पागल किस शासक को कहा जाता है, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मोहम्मद बिन की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन जो है बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने जितने भी योजनाएं चलाई सारी योजनाएं क्या हुई, विफल हो गई, जिसके कारण उसे इतिहास का पागल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का सबसे एक महत्वपूर्ण शासक था, और ये आखिरी शासक था जो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उसको जो है क्या किया, बुरी तरीके से परास्त किया। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इब्न बतूता एक यात्री था, अफ्रीका का रहने वाला था, और यह मोरक्को, अफ्रीका में ये मोरक्को एक कंट्री है जहाँ का रहने वाला था। मोरक्को की कैपिटल जो है रबात है, जो 1333 ईस्वी में हिंदुस्तान क्या किया था, घूमने के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का जो आखिरी आक्रमण था 1027 ईस्वी में हुआ था, सिंध के जाटों के विरुद्ध था, जो कि वह हिंदुस्तान से वापस जाते समय उसके साथ जो है युद्ध हुआ था उन लोगों के साथ, तो आखिरी युद्ध किसके साथ हुआ था, सिंध के जाटों के साथ। लास्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से कौन शासक जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाख बख्श का मतलब लाखों का दान करने वाला। कुतुबुद्दीन एक ऐसा शासक था जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, जो लाखों का दान करता था। ओके गाइस, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके।